इस घटना की जानकारी हमको समाचार पत्रों के माध्यम से मिली है कि राजस्थान में दौसा ज़िले में एक 4 साल की बच्ची को एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने रेप किया है। हमने इसका संज्ञान लिया है। हम इस मामले में राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। ये रक्षक के भक्षक बनने का जो मामला है, ये प्रदर्शित करता है कि सिस्टम कितना इनसेंसिटिव है। और जब पुलिस वाला एक 4 साल की छोटी बच्ची के साथ रेप करे तो स्थितियां भयावह हो चुकी हैं। निश्चित रूप से हमको प्रिलिमिनरी जो जानकारी मिली है उसके आधार पे हम इसमें आगे एक्शन ले रहे हैं। जी सर, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा मामला ही एक पुलिसकर्मी अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है तो लोगों के मन में कितना डर है, कितना असुरक्षित भाव रहा है। डेफिनेटली अगर एक पुलिस ऑफिसर एक बच्चे को रेप कर रहा है तो राज्य का गृह विभाग, राज्य के DGP इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम राज्य के गृह सचिव को भी नोटिस करेंगे और DGP को भी नोटिस करेंगे। जी, और किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? इसमें ये सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है कि बच्चे को और बच्चे के परिवार को, जब पुलिस वाला बच्चे को रेप कर रहा है तो परिवार की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा विषय है। तो बच्चे की रिहेबिलिटेशन, उसके परिवार की सुरक्षा, उसको प्रॉपर काउंसलिंग, उसको मुआवजा मिले, इन सब चीज़ों को इंश्योर करने का काम आयोग करेगा। जी, कोई संपर्क किया गया है सर? हमको अभी घटना की जानकारी मिली है, हम संपर्क स्थापित कर रहे हैं।